धरती से बहुत ऊपर एक खास घर है जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS कहते हैं। सोचो एक बड़ा चमकदार स्पेसशिप जो सूरज से पावर होता है और धरती के चारों ओर तेज गति से घूम रहा है। ये इतना बड़ा है कि आप इसे धरती से भी देख सकते हैं। कभी कभी ये रात के आसमान में एक चमकते तारे जैसा दिखता है। ISS पे जिंदगी एक एडवेंचर जैसी है, लेकिन ये धरती पे जिंदगी से बहुत अलग भी है। वहां ग्रेविटी नहीं है, चीजें नीचे नहीं गिरती बल्कि तैरती हैं। एस्ट्रोनॉट्स को हर रोज का काम करने के लिए नए तरीके सीखने पड़ते हैं। ISS की खिड़कियों से एस्ट्रोनॉट्स को हमारे नीले ग्रह का खूबसूरत नजारा दिखता है। ISS पे रहना और काम करना इंसानों की क्रिएटिविटी और अननोन को एक्सप्लोर करने की हमारी इच्छा को दर्शाता है। खुद को ISS के अंदर इमेजिन करो। आप दीवार से धक्का देते हैं और भूश, आप तैर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ISS धरती के चारों ओर फ्री फॉल की स्थिति में है, जिससे वेटलेसनेस या जीरो ग्रेविटी का एहसास होता है। बिना ग्रेविटी के रहना स्पेस में होने का सबसे मजेदार हिस्सा है, लेकिन इसके साथ अपनी चुनौतियां भी हैं। चलना, खाना या एक जगह पर टिके रहना जैसे आसान काम भी एक नया खेल बन जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को सतहों से धक्का देकर और खुद को तैरने से रोकने के लिए स्पेशल हैंड रेल्स का यूज करके घूमना सीखना पड़ता है। ये ऐसा है जैसे फिर से चलना सीख रहे हो, लेकिन इस बार हवा में। उदाहरण के लिए, पानी धरती की तरह नल से नहीं बहता है, इसके बजाय यह परफेक्ट छोटे तैरते हुए गोले बनाता है जो क्रिस्टल बॉल्स की तरह चमकते हैं। हालांकि यह सुनने में बहुत मजेदार लग सकता है और है, महीनों तक बिना ग्रेविटी के रहने से ह्यूमन बॉडी पर असर पड़ सकता है। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स का हर दिन फॉलो करने के लिए एक स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज रूटीन होता है ताकि वो फिट एंड हेल्थी रहें। आप सोच रहे होंगे कि एस्ट्रोनॉट्स फ्रीज ड्राइड आइसक्रीम और टैंग खाकर जिंदा रहते हैं, लेकिन स्पेस फूड ने बहुत तरक्की कर ली है। आज के एस्ट्रोनॉट्स के पास सरप्राइजिंगली अलग अलग तरह का खाना होता है, जिसमें स्क्रैम्बल्ड एग्स से लेकर बीफ स्ट्यू और पिज्जा तक शामिल है। लेकिन स्पेस में खाना खाना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। याद रखें, वहां ग्रेविटी नहीं है, इसलिए खाना आपकी प्लेट पर ऐसे ही नहीं टिका रहता। इसे तैरने से रोकने के लिए हर चीज को केयरफुली सिक्योर करना पड़ता है। ज्यादातर खाना स्पेशल पाउचेस में डिहाइड्रेटेड होकर आता है। खाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स पाउच में गर्म या ठंडा पानी डालते हैं, उसे गूंधते हैं ताकि उसमें फिर से पानी आ जाए और फिर एंजॉय करते हैं। ड्रिंक्स भी पाउचेस में आते हैं और स्पिल्स को रोकने के लिए स्ट्रॉ से पिए जाते हैं। स्पेस में खाना सिर्फ पेट भरने से कहीं ज्यादा है, यह एक सोशल इवेंट है। एस्ट्रोनॉट्स अक्सर खाने के लिए इकट्ठा होते हैं, कहानियां और हंसी शेयर करते हैं। उनका खाना उनके सामने धीरे धीरे तैरता रहता है। कभी सोचा है कि स्पेस में सोना कैसा होता होगा? खैर, कोजी बेड्स और फ्लफी पिलोज को भूल जाओ। ISS पर एस्ट्रोनॉट्स दीवारों पर बंधे स्पेशल स्लीपिंग बैग्स में सोते हैं। यह अजीब लग सकता है, लेकिन जीरो ग्रेविटी में यह जरूरी है। ये स्लीपिंग बैग्स हाईटेक कोकून्स जैसे होते हैं, जिन्हें एस्ट्रोनॉट्स को कंफर्टेबल और सिक्योर रखने के लिए बनाया गया है। ISS हर 90 मिनट्स में धरती का एक चक्कर लगाता है, जिसका मतलब है कि एस्ट्रोनॉट्स हर 45 मिनट्स में सूर्योदय या सूर्यास्त का अनुभव करते हैं। लगातार सूरज की रोशनी को रोकने और उन्हें सोने में मदद करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स स्पेशल आई मास्क पहनते हैं। अनयूजुअल स्लीपिंग अरेंजमेंट्स के बावजूद कई एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं कि सोने से पहले खिड़की से तारों को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। हमारे ग्रह की पृष्ठभूमि में बिना किसी एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन के लाखों टिमटिमाते तारों को देखने की कल्पना करो, सचमुच एक ब्रेथ टेकिंग साइट। आप सोच रहे होंगे कि स्पेस में साफ रहना मुश्किल होगा, और आप सही सोच रहे हैं। ISS पर शावर्स नहीं है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को खुद को फ्रेश और क्लीन रखने के लिए क्रिएटिव तरीके खोजने पड़ते हैं। नहाने के बजाय एस्ट्रोनॉट्स स्पेशल वाटरलेस शैम्पूज और सोप्स यूज करते हैं। इन्हें सीधे स्किन और बालों पर लगाया जाता है, फिर एक डैम्प वॉश क्लॉथ से साफ कर लिया जाता है। अपने दांतों को ब्रश करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स ऐसा टूथपेस्ट यूज करते हैं जिसे निगला जा सकता है, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में स्पिटिंग करना ऑप्शन नहीं है। वे स्पेशल ड्राई फ्लश टॉयलेट्स का भी यूज करते हैं, जो वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए पानी की बजाय एयर प्रेशर का यूज करते हैं। स्पेस में साफ रहने के लिए बहुत एडेप्टेशन और सेंस ऑफ ह्यूमर की जरूरत होती है। हालांकि ISS पर जिंदगी पूरी तरह से फन एंड गेम्स नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स का शेड्यूल बहुत डिमांडिंग होता है, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, मेंटेनेंस टास्क्स और धरती पर मिशन कंट्रोल के साथ कम्युनिकेशन से भरा होता है। एक आम दिन वेकअप कॉल और जल्दी से ब्रेकफास्ट के साथ शुरू होता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स को चेक करने का समय होता है, जिसमें माइक्रोग्रेविटी में प्लांट ग्रोथ का अध्ययन करने से लेकर
स्पेस में मटेरियल्स कैसे बिहेव करते हैं, यह ऑब्जर्व करना शामिल हो सकता है। एस्ट्रोनॉट्स अपना काफी समय स्टेशन को मेंटेन करने में भी बिताते हैं, फिल्टर्स को साफ करना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की जांच करना और रिपेयर्स करना जैसे काम करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज एस्ट्रोनॉट के दिन का एक क्रूशियल पार्ट होता है। ग्रेविटी के बिना मसल्स और बोन्स कमजोर हो सकते हैं, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स हर दिन कम से कम 2 घंटे वर्कआउट करते हैं स्पेस के लिए डिजाइन किए गए स्पेशल इक्विपमेंट का यूज करके। हर दिन नई चुनौतियां और रिवॉर्ड्स लेकर आता है, जिससे यह एक ऐसा एक्सपीरियंस बन जाता है जो चैलेंजिंग और इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग दोनों है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी खिड़की से बाहर देख रहे हैं और पूरी धरती को देख रहे हैं, नीले, हरे और सफेद रंग का एक घूमता हुआ गोला स्पेस के कालेपन के सामने। ये ब्रेथटेकिंग व्यू ISS पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक एवरीडे रियलिटी है। इस अनोखे पर्सपेक्टिव से धरती को देखना अक्सर लाइफ चेंजिंग बताया जाता है। ये ऑ और वंडर की एक गहरी भावना पैदा करता है, जो हमें हमारे ग्रह की सुंदरता और फ्रेजिलिटी की याद दिलाता है। स्पेस से कोई सीमाएं नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, सिर्फ एक इंटरकनेक्टेड प्लैनेट है जो पूरी मानव जाति का घर है। कई एस्ट्रोनॉट्स ने ओवरव्यू इफेक्ट के बारे में बताया है, अवेयरनेस में एक कॉग्निटिव शिफ्ट जो धरती को स्पेस से देखने पर होता है। वे सभी जीवित चीजों के साथ एक इंटरकनेक्टेडनेस की भावना, ग्रह के लिए एक डीप अप्रिशिएशन और इसकी रक्षा के लिए एक नए सिरे से कमिटमेंट का वर्णन करते हैं। ISS मानव इंजीन्यूटी और एक्सप्लोरेशन के लिए हमारी एंडलेस कैपेसिटी का प्रमाण है।